ठीक है, अच्छा है, मजा है। क्या आप भी मेंसुरेशन के फॉर्मूला रट रट के परेशान हैं, बार बार रटते हैं और भूल जाते हैं? तो आज के बाद आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आ गए हैं फॉर्मूला याद कराने के लिए और समझाने के लिए। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी मेंसुरेशन का कोई फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। पूरे 3D चित्र और 3D घन घना बेलन सारा प्रिज्म पिरामिड हम लेकर आए आपको बताने के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारा फॉर्मूला समझ जाइए। देखिए, ये प्रिज्म है, ये घनाभ है, ये बेलन है, ये सारा चीज लेकर आए हैं आपको बस आज के क्लास में फॉर्मूला सिखाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। याद रख लीजिएगा कि आपको कभी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आज के क्लास में याद करवा देंगे और क्यों होता है, कैसे होता है इसके साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके बीच में उन चित्रों को लिए हैं, उन त्रिविमीय आकृतियों को लिए हैं जो एक ही प्रकार के हैं। ये सारे चित्र एक ही प्रकार के, इन्हें हम प्रिज्म कह सकते हैं, ठीक है। सब लोग सोच रहे होंगे कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म तो हम जानते ही नहीं है, तो थोड़ा सा प्रिज्म पहले समझ लेते हैं क्या होता है। ऐसे हम प्रिज्म नहीं पढ़ रहे हैं, हमें इन सभी आकृतियों को फॉर्मूला बताना है आयतन का और क्षेत्रफल का। लेकिन थोड़ा सा एक बात समझ लो, प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई जमीन खरीद लो, कोई जमीन खरीद लो, वो जमीन कैसा भी हो सकता है। जमीन जैसे खरीद लिया हमने वर्गाकार, वर्गाकार जमीन खरीद के इसके चारों किनारों पर दीवार खड़ा कर दिया, और दीवार खड़ा करके आधार के जैसा ही छत से उस दीवार को ढक दिया। फिर बाबू इस प्रकार जो ठोस बना वो प्रिज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। जैसे बाबू कभी हमने ऐसा आधार वाला जमीन खरीद लिया, पंचभुजाकार आधार वाला, तो इसके सारे आधार पर हम छत खड़ा करेंगे, सॉरी सारे आधार पे दीवार खड़ा करेंगे, और दीवार खड़ा करके जैसा आधार है वैसे छत से ढलैया कर देंगे, एक हॉल बना देंगे। बाबू ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे, जैसा आधार है वैसे छत से हम क्या कर देंगे, ढलैया कर देंगे। तो इस प्रकार जो ठोस बनेगा वो क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। बच्चों ध्यान लगाएंगे, तो ये प्रिज्म बन गया, ये कहलाएगा पंचभुजाकार आधार वाला प्रिज्म, ये कहलाएगा वर्गाकार आधार वाला प्रिज्म। जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे तो आपको ये देखने से क्या लग रहा है, घन लग रहा है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं वर्गाकार आधार वाला प्रिज्म, वर्गाकार आधार वाला प्रिज्म कह सकते हैं क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे, जैसे ये क्यूबॉइड है, क्या है? क्यूबॉइड है, घनाभ है, घनाभ है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं आयताकार आधार वाला प्रिज्म, क्योंकि इसका आधार कैसा है? आयत। कहिएगा सर ये तो समानांतर चतुर्भुज जैसा लग रहा है, लेकिन है आयत। जैसे इसका आधार है वर्ग, और इसके वर्ग आधार पे चारों तरफ दीवार खड़ा करके ऊपर से छत भी वर्ग रख दिए, ये घनाभ है, इसको हम कह सकते हैं आयताकार आधार वाला प्रिज्म। क्या कह सकते हैं हम लोग? आयताकार आधार वाला प्रिज्म, आयताकार आधार वाला प्रिज्म कह सकते हैं इसको। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रिज्म नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सारा चित्र एक जैसा है और सबका फॉर्मूला एक जैसा होता है, तो पहले सीख लीजिए, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये है सिलेंडर आपका, क्या है? सिलेंडर, लेकिन इसको हम कह सकते हैं वृत्ताकार आधार वाला प्रिज्म। है ये बेलन, लेकिन इसको हम कह सकते हैं वृत्ताकार आधार वाला प्रिज्म। जैसे इसको देखिए, ये वर्गाकार आधार वाला प्रिज्म है, जो चित्र हम बनाए थे वर्गाकार आधार वाला प्रिज्म है। यह है बाबू समषष्ठभुजाकार आधार वाला प्रिज्म। देखो जैसा छत है वैसा ही इसका आधार भी होगा, ठीक है ना। तो यह सब एक प्रिज्म है, और यह सबका फॉर्मूला एक जैसा होगा। एक फॉर्मूला याद रखोगे, यह सबका फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है समझते हैं पहले। तो हमें फॉर्मूला सीखना है क्षेत्रफल और आयतन का, एरिया और पैरामीटर, क्षेत्रफल और आयतन का, एरिया और वॉल्यूम का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एरिया क्या होता है? जब भी कहीं एरिया की बात हो, इसका मतलब क्या होता है आप जानते हैं? फर्श, फर्श की बात हो रही है यानी क्षेत्रफल की बात हो रही है, क्षेत्रफल की बात हो रही है यानी फर्श की बात हो रही है। फर्श के माप को क्षेत्रफल कहते हैं, फर्श के माप को क्षेत्रफल कहते हैं। जब भी किसी आकृति के क्षेत्रफल निकालने को कहा जाए, तो आप उसको फर्श को देखेंगे कि इसका फर्श कैसा है, ठीक है, इसका फर्श कैसा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी किसी आकृति के आयतन निकालने को कहा जाए, क्षेत्रफल निकालने को कहा जाए, तो फर्श को देखेंगे, और आयतन निकालने को कहा जाए तो कोई वस्तु जितना जगह घेरता है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं,
कोई वस्तु जितना जगह घेरता है उससे उस वस्तु का आयतन कहते हैं, यानी आयतन की बात किया जाए तो हम सोचेंगे कि यह वस्तु कितना जगह घेर रहा है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो जब भी इनका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो चित्र को थोड़ा ध्यान दो, इसमें क्या क्या है। इसमें आधार है और छत है, उसके अलावा दीवार है। आधार है, छत है, उसके अलावा दीवार। इसमें भी क्या है? आधार है और छत है, उसके अलावा क्या है? दीवार है। ठीक है, इसमें भी क्या है बाबू? आधार है, छत है, उसके अलावा दीवार है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखो, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लो। जैसे ये चित्र को देखो, ये बेलन है ना, बेलन, बेलन बाद में, लेकिन है पहले ये प्रिज्म। ये प्रिज्म, इसमें क्या है देखो? इसमें आधार है, छत है और ये दीवार, इसको प्रिज्म कह सकते हैं। इसको देखो, ये दिख रहा है तुमको? इसको भी हम लोग प्रिज्म कह सकते हैं क्योंकि इसमें आधार है, छत है और दीवार है। ठीक है, इस तरह के और एक आकृति है हमारे पास। ये देखो, ये समषष्ठभुजाकार आधार वाला प्रिज्म है। ये कैसा प्रिज्म है? समषष्ठभुजाकार आधार वाला प्रिज्म है। इसमें भी क्या क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसमें भी आधार है, छत है, उसके अलावा दीवार है। तो जब भी आप किसी प्रिज्म के बात करते हैं तो उसके में क्या क्या फर्श है उस पर ध्यान लगाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो अगर इसका हमें क्षेत्रफल निकालना हो, क्या निकालना हो? क्षेत्रफल। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो इसके दीवार के क्षेत्रफल की पहले आइए बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दीवार की, क्षेत्रफल की, दीवार का क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो चित्र दिख रहा है ना, यही वाला, ये दीवार का क्षेत्रफल। तो किसी भी प्रिज्म के अगर दीवार का क्षेत्रफल आपको निकालना हो बच्चों, दीवार का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करना? पहले इस आधार को देखो, ये आधार कहलाएगा। आधार के परिमिति में ऊंचाई से गुणा कर देंगे। दीवार का क्षेत्रफल होगा आधार का परिमिति गुणे ऊंचाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आधार वर्ग है तो वर्ग के परिमिति गुणे ऊंचाई, आधार आयत है तो आयत के परिमिति गुणे ऊंचाई, आधार वृत्त है तो वृत्त के परिमिति गुणे ऊंचाई, आधार अगर वर्ग है तो वर्ग के परिमिति गुणे ऊंचाई, आधार अगर सम पंचभुज है, देखो ये पंचभुज है, दिख रहा है ना, पंचभुज है, एक दो तीन चार पांच पंचभुज है, तो पंचभुज के परिमिति गुणे ऊंचाई, तो वो हो जाएगा दीवार का क्षेत्रफल। किसी भी दीवार का क्षेत्रफल निकालना हो तो याद रखना आधार के परिमिति गुणे ऊंचाई। अब दीवार का क्षेत्रफल हो गया। अब किसी ने आपसे कहा संपूर्ण क्षेत्रफल बताओ, संपूर्ण क्षेत्रफल। अब इसका अगर हमें संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है भैया, तो दीवार के अलावा क्या क्या बचा? दीवार का क्षेत्रफल ले लिए, दीवार के अलावा क्या क्या बचा? आधार बचा और छत बचा, आधार बचा और छत बचा। तो प्रिज्म में क्या होता है? जैसा आधार होता है वैसा ही छत होता है। तो बाबू संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना होगा तो दीवार का क्षेत्रफल प्लस क्या क्या है? आधार का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल। जैसा आधार वैसा ही छत, तो दो गुणे आधार का क्षेत्रफल। कब? जब संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना रहेगा तब। ठीक है, अगर किसी ने कह दिया आयतन निकालो, आयतन का मतलब होता है कोई वस्तु जितना जगह घेरता है उसे उस वस्तु का हम लोग आयतन कहते हैं। किसी ने कह दिया आयतन निकालो, इसका आयतन ये कितना जगह घेर रहा है, ये कमरा में कितना जगह है हमें पता करना है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जैसे कोई मच्छर उड़ रहा है, वो मच्छर कितना दूर, कितना वॉल्यूम में उड़ सकता है इस कमरा में, तो जितना वॉल्यूम में मच्छर उड़ सकता है इस घर का आयतन कहलाएगा। इस घर का क्या कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आयतन कहलाएगा, जितना दूर में मच्छर उड़ेगा। तो हमें सोचना होगा कितना दूर में मच्छर उड़ रहा है। मान लो एक मच्छर यहां उड़ रहा है, उसको हमें पकड़ना है। हम कहेंगे कहां जाओगे, इतने दूर में न रहोगे। तो ये कंप्लीट जगह जो है इस घर का आयतन कहलाएगा। और इस कंप्लीट जगह को मापने के लिए, थ्योरेटिकली छोड़िए प्रैक्टिकली बात करते हैं, हमें ये कंप्लीट जगह मापना है। कैसे मापेंगे? एक हम दरी बिछा देंगे इस घर में, ये जो घर में हम पढ़ा रहे हैं, एक दरी बिछा देंगे। ये घर है, घनाभाकार है, प्रिज्म के जैसा है। इसमें हम एक दरी बिछा देंगे इसके फर्श के बराबर साइज का। दरी बिछा के इसके चारों कोना में आदमी खड़ा कर देंगे और बोलेंगे चारों कोना पकड़ लो दरी का और धीरे धीरे उठाओ ऊपर। सारे खिड़की दरवाजा बंद है, धीरे धीरे ऊपर उठाओ दरी को। ऐसे मच्छर कहीं भी रहेगा बीच में जता जाएगा।
नहीं, और मच्छर मर जाएगा, कहीं भी रहेगा, धीरे धीरे दरी ऊपर उठाएंगे और ऊपर छत तक सटा देंगे। यानी दरी को उठाया हमने, कितना उठाया, जितना ऊंचाई है उतना उठाया, तो क्या निकल गया, इस घर का आयतन। तो हम कह सकते हैं कि दीवार का क्षेत्रफल, सॉरी आयतन निकालना है तो हमें आधार को उठाना होगा। किसको उठाना होगा, आधार को, और आधार को कितना उठाना होगा, जितना ऊंचाई है उतना उठाना होगा। तो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो ये सब में लगेगा, इसमें भी 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 लगेगा, हर जगह लगेगा, ठीक है। अब चलिए सब चित्र को हम अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे क्यूब, क्यूब भी एक प्रकार का प्रिज्म है। अगर हम इसके दीवार की क्षेत्रफल की बात करें तो दीवार का क्षेत्रफल होता है आधार के परिमिति गुणे ऊंचाई। आधार इसका कैसा है, आधार इसका वर्गाकार है। आधार कैसा है, इसका वर्गाकार है। तो वर्ग के परिमिति होता है चार गुणे भुजा, वर्ग के परिमिति होता है चार गुणे भुजा, वर्ग के परिमिति गुणे ऊंचाई। इसमें अगर ये भुजा ए है तो ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ऊंचाई भी क्या होगा, ए होगा। तो वर्ग के परिमिति चार गुणे भुजा और ऊंचाई भी भुजा के बराबर ही है, तो गुणे भुजा हो गया चार भुजा स्क्वायर, चार भुजा स्क्वायर। तो इसके दीवार का क्षेत्रफल होगा चार भुजा स्क्वायर। इसको हम लोग कह सकते हैं पार्श्व सतह का भी क्षेत्रफल, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल कहे या दीवार का क्षेत्रफल कहे, एक ही होगा चार गुणे भुजा स्क्वायर। चाहे ऐसे भी सोचने वाली बात है, बाबू इसमें चार दीवार होते हैं और चारों कैसे होते हैं, वर्गाकार, ध्यान देना, यही है ना तुम्हारा क्यूब दिख रहा है, यही क्यूब है। इसमें चार दीवार है और चारों दीवार कैसा है, वर्गाकार, एक दो तीन चार, चार दीवार है, चारों वर्गाकार है, तो चारों का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो चार दीवार का क्षेत्रफल हो गया चार गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल दीवार के अलावा क्या क्या है, चार गो दीवार है, एगो आधार है, एगो छत है, यानी इसमें कुल छह सतह है, छह वर्गाकार है और एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो छह वर्ग का क्षेत्रफल छह भुजा स्क्वायर, छह भुजा स्क्वायर, ठीक है। किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत, अगर हम आयतन की बात करें, इसका किस चीज की बात करें, आयतन का, तो हमने अभी बताया कि किसी भी प्रिज्म का आयतन होता है आधार के क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये आधार इसका वर्गाकार है और वर्ग का क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर और ऊंचाई कितना है ए, तो ए स्क्वायर गुणे ए यानी ए क्यूब, यानी हम कह सकते हैं भुजा क्यूब, ठीक है। तो क्यूब का दीवार का क्षेत्रफल या पार्श्व सतह का क्षेत्रफल पूछा जाए तो चार भुजा स्क्वायर, संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा जाए तो छह भुजा स्क्वायर और आयतन होगा भुजा क्यूब। किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत, हाँ भाई, इसके थोड़ा विकर्ण की हम बात कर लेते हैं, डायगोनल का, इसके डायगोनल का बात कर लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में कहता है कि इस घर में रखे जाने वाले बड़े से बड़े छड़ की लंबाई क्या होगा, जैसे इसमें हमें छड़ रखना है बड़ा से बड़ा, तो यही बड़ा से बड़ा छड़ रखाएगा, इससे बड़ा छड़ नहीं होगा, इसको हम लोग कहेंगे विकर्ण। तो विकर्ण क्या होगा मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, ध्यान लगाएंगे, तो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होगा, घन का विकर्ण याद रखना रूट थ्री गुणे भुजा, रूट थ्री गुणे भुजा कैसे होता है ये हम बता देते हैं। घन का विकर्ण होगा रूट थ्री गुणे भुजा, घन का विकर्ण क्या होगा रूट थ्री गुणे भुजा, कैसे बच्चों ध्यान लगाएंगे, घन में एक वर्ग होगा, आधार में, आधार में क्या होगा एक वर्ग होगा, दिख रहा है ये वर्ग दिख रहा है आपको, ये वर्ग का विकर्ण दिख रहा है, ये विकर्ण कितना होगा ये बताओ, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बताओ, वर्ग का विकर्ण होगा रूट टू गुणे भुजा, रूट टू ए होगा, ठीक है। अब चलो ध्यान देना थोड़ा सा, ये रूट टू ए है और इसको देखो, ये चित्र दिख रहा है तुमको, क्लियर नहीं दिख पा रहा है, एक बार मिटा देते हैं, थोड़ा ध्यान दे बच्चों, ये तुम्हारा बना क्यूबॉइड, ठीक है, ये हुआ तुम्हारा विकर्ण, ठीक है, क्यूब का विकर्ण, सॉरी क्यूब, क्यूबॉइड नहीं क्यूब, ये क्यूब का डायगोनल हुआ। अब बाबू ये डायगोनल हमें निकालना है, ये देखो ये जो नीचे में वर्ग है उसका ये विकर्ण हुआ, उसका विकर्ण हुआ, अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये भी ए है, ठीक है, ये भी ए है, तो इसका मान क्या होगा रूट टू ए, दिख रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वर्ग है तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा रूट टू ए। अब इस त्रिभुज में आप देखो, इस त्रिभुज में ये कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ये रूट टू ए है, ये ए है, ये क्या है विकर्ण है,
विकर्ण बराबर क्या होगा, ध्यान देना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस रूट टू ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, जोड़ेंगे तो हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं रूट थ्री ए। यानी यहां से हम लोग याद कर लिए कि घन का विकर्ण बराबर होगा रूट थ्री गुणे भुजा, घन का विकर्ण बराबर होगा रूट थ्री गुणे भुजा। ठीक है, घन का विकर्ण हुआ बाबू रूट थ्री गुणे भुजा, समझ गए, चले आगे, किसी को कोई दिक्कत? चलो अब हम घनाभ की ओर आगे बढ़ते हैं। क्यूबाइड, क्यूबाइड है आपके बीच में घनाभ। घनाभ देखिए क्या होता है, घनाभ भी एक प्रकार का प्रिज्म है, घनाभ भी एक प्रकार का क्या है, प्रिज्म है, इसको हिंदी मीडियम वाले कहते हैं घनाभ। घनाभ भी एक प्रकार का प्रिज्म है, घनाभ जैसे ये घनाभ कहलाएगा, देखो ये आधार हो गया, ये छत हो गया, ये चार दीवार हो गया। ठीक है, जैसे जिसको रखेंगे उस पर आधार कहलाएगा, ये आधार हो गया, तो चार को दीवार हो गई, छत हो गया, ये घनाभ हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुलारे विद्यार्थियों, ध्यान लगाना और गौर फरमाना, ठीक है ना बाबू, सुगा सुनत, ये भी एक प्रकार का प्रिज्म है। तो इसका दीवार का क्षेत्रफल ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, हमने पूछा इसका दीवार का क्षेत्रफल बताओ, क्या बताओ, दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल बताने से पहले ये देखो, ये आधार कैसा है, इसका आयताकार है, आधार कैसा है, आयताकार, इसको हम लोग कहेंगे लंबाई, इसको कहेंगे चौड़ाई, और ये कहलाएगा ऊंचाई, क्या कहलाएगा, ऊंचाई। तो इसके दीवार का क्षेत्रफल होगा आधार के परिमिति गुणे ऊंचाई, इसका दीवार का क्षेत्रफल आधार के परिमिति गुणे ऊंचाई, आधार के परिमिति गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आधार कैसा है, आयताकार है, लग रहा है समानांतर चतुर्भुज ऐसा, लेकिन है आयत। ठीक है, आयत के परिमिति डू इंटू एल प्लस बी गुणे ऊंचाई यानी h। ठीक है, डू इंटू एल प्लस बी आयत के परिमिति गुणे ऊंचाई, यही हो गया दीवार का क्षेत्रफल। याद रखना, आधार के परिमिति गुणे ऊंचाई, किसी भी चीज के दीवार का क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार के परिमिति गुणे ऊंचाई, इसका आधार कैसा है, आयताकार है, तो आयत के परिमिति गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब वही किसी ने कह दिया संपूर्ण क्षेत्रफल बताओ, संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल बताओ, तो बाबू ध्यान लगाएंगे, ये दीवार का क्षेत्रफल है टू एल एच टू बी एच, दिख रहा है ना, टू एल एच टू बी एच, ये दीवार का क्षेत्रफल है। दीवार के क्षेत्रफल के अलावा उसमें क्या क्या बच रहा है, आधार और छत, आधार और छत, आधार और छत, जैसा आधार है वैसा ही छत है। अगर आधार का क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई, बाबू जो ये आधार है इसका क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये जो छत है इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, यानी आधार का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो छत का भी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो डू एल बी, इसको जोड़ दिए, ये आधार और छत के क्षेत्रफल जोड़ दिए, दीवार में दिया गया संपूर्ण क्षेत्रफल, इसलिए टू कॉमन ले लिया जाता है, एल बी, एल एच और बी एच, हो जाता है हमारा इसका संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, अगर किसी ने कह दिया आयतन क्या होगा, आयतन यानी वॉल्यूम, आयतन हमने बताया, किसी भी चीज के आयतन निकालना हो, किसी भी प्रिज्म का आयतन निकालना हो, तो आधार के क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार के क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और आधार कैसा है, इसका आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आधार के क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, चलिए बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है ना, अच्छा है ना, चलो अब आओ इसका हम विकर्ण निकाल देते हैं, विकर्ण, विकर्ण निकाल देते हैं बच्चों, विकर्ण निकाल देते हैं। ये देखो, ये आयत है और ये एल है, ये बी है, तो इसका मान क्या होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिख रहा है ना, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान होगा, और ये क्या है, ऊंचाई एच, और ये कहलाएगा हमारा विकर्ण, या इस घर में रखे जाने वाला सबसे बड़ा क्षण, उस कोना से रखेंगे इस कोना तक, इस घर में रखा जाने वाला सबसे बड़ा क्षण, तो इसका लंबाई क्या होगा, ये बहु विकर्ण हो गया, ये नीचे वाले आधार के लिए, ये ऊंचाई हो गया, ये कोण कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, ये देखो
हमें इसका मान निकालना है, तो ये लंब और ये आधार, ये किस चीज का काम करेगा, कर्ण का। तो यहां विकर्ण निकालना है अगर हमें बच्चों, विकर्ण निकालना है तो विकर्ण बराबर होगा इसका स्क्वायर, यानी रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एच का स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वर्गमूल। तो याद रखना क्यूबॉइड का विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक है ना, आज सारा फॉर्मूला याद करवा देंगे, फिर तुम कभी नहीं भूलोगे जीवन में। नेक्स्ट, अब चलो सिलेंडर, सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर भी एक प्रकार का प्रिज्म है, सिलेंडर भी एक प्रकार का प्रिज्म है। सिलेंडर देखे बच्चों, ये होता है सिलेंडर, देख लो ये सिलेंडर है, बेलन जिसमें आधार है, छत है और एक दीवार है। ठीक है, बेलन समझ गए क्या होता है। अब आइए इसके क्षेत्रफल और आयतन निकालते हैं। क्षेत्रफल से पहले इसका हम निकालेंगे पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, या उसको हम कह सकते हैं दीवार का क्षेत्रफल। तुमसे कहा जाए पार्श्व सतह का क्षेत्रफल निकालो या दीवार का क्षेत्रफल निकालो तो एक ही बात है, एक ही बात है, पार्श्व सतह कहा जाए या दीवार कहा जाए। हमने पढ़ा किसी भी चीज के दीवार का क्षेत्रफल होता है आधार के परिमिति गुणे ऊंचाई। ठीक है, चलो इसका आधार देखो थोड़ा कैसा है, इसका आधार कैसा है बच्चों, ठीक है ना, इसका आधार कैसा है, इसका आधार है वृत्ताकार और वृत्त की त्रिज्या कितनी है आर है, और इसको हम कहेंगे ऊंचाई, और यह भी छत है ये आर है। ठीक है, आधार के क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार कैसा है वृत्ताकार है। ठीक है, दीवार का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो आधार के परिमिति गुणे ऊंचाई, दीवार का क्षेत्रफल आधार के परिमिति गुणे ऊंचाई, आधार कैसा है वृत्ताकार है, तो वृत्त के परिमिति, वृत्त के परिमिति हो गया बाबू 2πr, वृत्त के परिमिति सबको पता है 2πr गुणे ऊंचाई, ये आ गया पार्श्व सतह 2πrh। जब भी भूलिएगा तो याद रखिएगा, दीवार है तो आधार के परिमिति गुणे ऊंचाई, दीवार है तो आधार के परिमिति गुणे ऊंचाई यानी 2πrh। ठीक है, आइए बच्चों अगर हमसे कहा जाए संपूर्ण क्षेत्रफल निकालो, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालो, तो इस दीवार के अलावा इसमें क्या क्या बचा, आधार और छत, इस दीवार के अलावा क्या क्या बचा, आधार और छत, तो आधार और छत, दीवार का क्षेत्रफल प्लस आधार और छत का क्षेत्रफल, मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और छत का क्षेत्रफल भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो है बेलन है और इसका आधार वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इधर भी पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो गया 2πr2। ठीक है, इसलिए 2πr अगर हम कॉमन ले लें, 2πr कॉमन ले लें तो यहां बचेगा h प्लस r, ये होता है संपूर्ण क्षेत्रफल किसका, बेलन का। ठीक है, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, ये सब प्रिज्म था, सबका चित्र एक जैसा था, इन्हीं को कोई दिक्कत। चलो अब आगे बढ़ते हैं, गोला, गोला प्रिज्म नहीं है बाबू, गोला प्रिज्म नहीं है, इसका क्षेत्रफल याद रखना पड़ेगा आपको, इसका क्षेत्रफल गोला समझ रहे हैं ना, गोला स्फीयर, अरे बचपन में तो आपका गोला से बहुत रिश्ता रहा है। ठीक है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट बॉल, पूरा गोला ही है ना, बचपन में पूरा रिश्ता आपका गोला से रहा है। ठीक है, जवानी में भी जुड़ जाएगा। चलो ये स्फीयर है, ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका रेडियस आर है, तो गोला का क्षेत्रफल चार वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, याद रखना 4πr2, एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो चार वृत्त का 4πr2। आयतन इसका रट लेना, आयतन 4/3πr³, आयतन 4/3πr³, वॉल्यूम 4/3πr³। ठीक है, अब चलो अब आ गया हेमी स्फीयर अर्धगोला, ये देखो है तुम्हारा अर्धगोला, दिख रहा है ये अर्धगोला है, ये था गोला, अब ये हो गया अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोला, अर्धगोला का क्षेत्रफल किसी ने आपसे कह दिया तो क्या निकालोगे, क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बताओ अर्धगोला का,
पूरा गोला का 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा गोला के 2 पाई आर स्क्वायर, नहीं हाँ, ये क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर क्या हुआ, वक्र सतह का, वक्र सतह का क्षेत्रफल, अर्धगोला के वक्र सतह का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। जब ये पूरा गोला था, जब ये पूरा गोला था तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, इसको काट दिए ये बन गया अर्धगोला, अर्धगोला बना तो यही वाला भाग का क्षेत्रफल केवल 2 पाई आर स्क्वायर, ये पूरा नींबू है 4 पाई आर स्क्वायर, जैसे ही काटे 4 पाई आर स्क्वायर मतलब ये वक्र सतह है पूरा 4 पाई आर स्क्वायर, काटे तो ये आधा नींबू हो गया, तो यही वक्र सतह क्या हुआ 2 पाई आर स्क्वायर, ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये नीचे वाला, ठीक है, यानी वक्र सतह का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हमसे किसी ने कहा नहीं संपूर्ण क्षेत्रफल बताओ, संपूर्ण क्षेत्रफल, तो वक्र सतह का क्षेत्रफल प्लस, जैसे ही इसको काटे ना, जैसे ही इसको काटे एक नया पेज जन्म ले लिया, और ये पेज कैसा है वृत्ताकार, जैसे ही हमने इस गोला को काटा, गोला को काटा अर्ध गोला बनाया, तो एक नया सरफेस का जन्म लिया, और ये सरफेस कैसा है वृत्ताकार है, और जब भी संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है तो संपूर्ण सरफेस को देखना है, और ये सरफेस कैसा है वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर किसमें जोड़ दिए, तो संपूर्ण क्षेत्रफल आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। किन्हीं को कोई दिक्कत, अर्धगोला समझ गए ना, अर्धगोला से तो आपका रिश्ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हेलोस्फेयर, खोखला गोला, खोखला गोला क्या होता है हेलोस्फेयर, बचपन में आप बहुत क्रिकेट बॉल से खेले हैं, कभी कभी वो बॉल फट जाता था तो याद रखना इस तरह के दो भाग बन जाता था, यही है खोखला गोला, उसमें क्या होता था अंदर में हवा भरा हुआ रहता था और बाकी किसी मटेरियल से बना हुआ रहता था, ये मटेरियल हो गया इससे बना रहता था। खोखला गोला के क्या क्या पूछा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें खोखला गोला का, तो ये बाहरी त्रिज्या है आपका बड़ा वाला आर और आंतरिक त्रिज्या है छोटा वाला आर, खोखला गोला है फट गोला, गेंद जो है ना बॉल जिससे खेलते थे वो है ये, ठीक है, तो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई बड़का आर स्क्वायर, और आंतरिक होगा 4 पाई छोटका आर स्क्वायर। ऐसे कभी क्वेश्चन में पूछता नहीं है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, पूछेगा तो निकाल लेना बाहरी क्षेत्रफल प्लस आंतरिक क्षेत्रफल, ठीक है, ये नहीं सोचना कि सर घटेगा ना, बले के क्षेत्रफल में घटता है, यहां नहीं घटेगा, ये गोला है तो दोनों पेज का क्षेत्रफल जोड़ना होगा, बाहर वाला भी और अंदर वाला, ठीक है। इसमें क्या पूछा जाता है बाबू, आयतन, धातु का आयतन, इसको बनाने में लगने वाले धातु का आयतन बताइए, इस गोला को बनाने में जो धातु लगाए उसका आयतन बताइए, ये जो धातु दिख रहा है मटेरियल इसका आयतन बताइए। तो हमें क्या करना होगा, कंप्लीट गोला के आयतन में से ये अंदर में जो हवा है इसका आयतन घटा देना होगा, कंप्लीट गोला के आयतन में से ये जो अंदर में हवा है ये पीला कलर वाला, इसके आयतन को क्या करना होगा घटा देना होगा, तो धातु का आयतन निकल जाएगा, तो कंप्लीट आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस, अंदर वाले गोला का आयतन होगा 4/3 पाई छोटका आर क्यूब, यानी हम 4/3 पाई कॉमन ले सकते हैं आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है ना। तो कह देगा कभी कि एक गेंद है, धातु का एक गेंद है जिसकी आंतरिक त्रिज्या है और बाहरी त्रिज्या बड़कार है, तो उस धातु को, धातु के गेंद को बनाने में लगे धातु का आयतन बताओ, तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है, बात समझ गए। नेक्स्ट अब आते हैं हेलो हेमिस्फीयर, खोखला अर्धगोला, खोखला अर्धगोला समझने के लिए बच्चों थोड़ा बचपन में ले चलते हैं हम आपको, अब जब छोटे थे जिस बॉल से खेलते थे वो बॉल कभी कभी फट जाता था, याद करो जिस बॉल से खेलते थे वो बॉल कभी कभी क्या होता था फट जाता था, फटने के बाद वो इसी तरह का दिखता था, याद नहीं आ रहा है, अरे उसको केवनी तो सटा कैसे खेलते थे याद आ रहा है, कहीं कहीं चिपकाते थे और कहीं कहीं सटा करके विभिन्न प्रकार की आकृति बनाते थे, कभी यहां तो कभी वहां, याद आया ना, तो वही है ये हेलो हेमिस्फीयर खोखला अर्धगोला, ये खोखला अर्धगोला एग्जाम में आता है, खोखला अर्धगोला कटोरा है ऐसे करके क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो खोखला अर्धगोला की अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, डायरेक्ट लिखते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे,
संपूर्ण क्षेत्रफल। इसमें सतह देखो कितने हैं, इसमें सतह देखो कितने, ये देखो एक बाहरी सतह है, ये पूरा गोला रहता तो 4 पाई आर स्क्वायर होता, लेकिन इतना है तो ये क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें दो रेडियस होंगे बाबू, एक आंतरिक रेडियस छोटा वाला आर और एक बाहरी रेडियस बड़ा वाला आर। इसको अगर हम सामने से देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा, ये छोटा वाला आर, ये हो गया बड़ा वाला आर। अगर सामने से देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा, आएगा ना। तो बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये अंदर में भी इस तरह से बनेगा, बनेगा बाबू याद करो उस चित्र को, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई छोटका आर स्क्वायर, बाहरी वक्र पृष्ठ प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ। ठीक, उसके अलावा एक और सरफेस बच रहा है, इसको देखो, इसको इसको तुम देखो, इसको ये कौन है, ये वाला फेस है, ये देखो ये वाला जो चपकता है तुम्हारे हाथों पर कोहनियों पर, ये ऐसा बलयकार जो सतह है, ये वाला एक और सतह बनेगा, अगर मोटा रहेगा तो थोड़ा सा एक और सतह बनेगा, यही ये बल है, बाहर का क्षेत्रफल प्लस अंदर का क्षेत्रफल, ऊपर में एक जो बलय बनेगा, ये बलय प्लस इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो अंदर का क्षेत्रफल लिख लो तुम 2 पाई छोटका आर स्क्वायर प्लस इस बलय का क्षेत्रफल, बलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर या आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, इसको ऐसे ही याद रखना, तोड़ तोड़ के याद रखो तो याद रखोगे ना, कि कॉमन लेके याद करेंगे तो भूलिए जाएंगे। ठीक है, बाहरी क्षेत्रफल प्लस आंतरिक क्षेत्रफल प्लस बलय का क्षेत्रफल। कभी कभी कह देता है खोखला अर्धगोला कटोरा है, उसको पेंट करना है, तब इसको निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर इसका आयतन पूछा जाए बच्चों, आयतन तो इजी है, पूरा अर्धगोला के आयतन में से अंदर वाले हवा वाले अर्धगोला का आयतन घटा देंगे, पूरा अर्धगोला का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस अंदर वाले हवा का होगा 2/3 पाई छोटका आर क्यूब। ठीक है, सॉरी यहां भी 2 होगा, 2/3 पाई कॉमन ले लेंगे आर क्यूब माइनस आर क्यूब। इन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत, समझ गए, ठीक है, अच्छा है, तो उम्मीद करते हैं ये सारे फॉर्मूला आप याद कर लिए होंगे और एक कागज पर लिख लेंगे और एक बार फिर से देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा, फिर आपको रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दें और शेयर कर दें। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।